अस्सलाम वालेकुम। रिएक्शंस ऑफ फिनॉल हमने स्टार्ट किया था लास्ट टाइम तक, हमने नाइट्रेशन और सल्फोनेशन को कर लिया था। आज जो रिएक्शन हमने डिस्कस करना है ये है हाइड्रोजिनेशन, हैलोजिनेशन और रिएक्शन विद एल्डिहाइड। सबसे पहले हम देखते हैं जो रिएक्शन डिस्कस करना है वो है हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन कहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। ये इसकी डेफिनेशन है। अगर आप हाइड्रोजन को ऐड कर दें, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के दाखले को, हाइड्रोजन किस में, इन फिनॉल में हाइड्रोजन के दाखले को हम नाम देते हैं इज कॉल्ड, इसको हम नाम दे रहे होते हैं हाइड्रोजिनेशन का, इसको हाइड्रोजिनेशन का नाम दे रहे होते हैं। अगर मैं हाइड्रोजिनेशन की कंडीशंस की बात करता हूँ तो कंडीशंस याद रखिएगा कि यहाँ पे दो चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज़, आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा। कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा? टेम्परेचर ऑलमोस्ट 150 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। टेम्परेचर शुड बी 150 डिग्री सेंटीग्रेड, 150 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। एंड और इसके अलावा निकल को हम यूज़ करते हैं एज अ कैटलिस्ट, निकल एन आई से रिप्रेजेंट करते हैं, निकल को इस्तेमाल कर रहे होते हैं एज अ कैटलिस्ट, इसको हम कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। बस ये बात याद रखिएगा, ये हमारे पास कंडीशन है। इसके बाद रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन बिल्कुल सिंपल सा है। रिएक्शन में क्या करना है, आपने फिनॉल लेनी है, ये हमारे पास रिएक्शन है। लास्ट वाली चीज़ जो डिस्कस करनी है, मैंने क्या किया, फिनॉल लिया, फिनॉल के अंदर हाइड्रोजन को ऐड करवा देना है, हाइड्रोजन को ऐड करवा देना है। हमारे पास फिनॉल आता है बेंजीन के ऊपर, अगर आप OH लगा दें, ये वाली चीज़ हमारे पास फिनॉल है। ये चीज़ क्या, हमारे पास फिनॉल है, फिनॉल में ऐड करवा दें हाइड्रोजन को, H2 को, तीन मॉलिक्यूल H2 को ऐड करवाएं, जिसके नतीजे हमारे पास ये वाली चीज़ बन जाएगी। कौन चीज़, बॉन्ड सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे और ये सिंपल चीज़ यहाँ पे हमारे पास OH ग्रुप लग जाएगा। यहाँ पे निकल है और ये वाली चीज़ हमारे पास टेम्परेचर 150 डिग्री सेंटीग्रेड दे देंगे। अब मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, इस रिएक्शन में एडिशन हुई है या फिर सब्स्टिट्यूशन हुई है? इस रिएक्शन में, हाइड्रोजिनेशन में एडिशन हो रही है या सब्स्टिट्यूशन हो रही है? एडिशन हुई है। एडिशन होने की वजह से आपके बॉन्ड क्या हो गए, जहाँ पे डबल बॉन्ड था वहाँ पे सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गए। अच्छा, इसका नाम तो फिनॉल है, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम बिल्कुल सही, साइक्लो तो आएगा क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है, तो इसका क्या नाम होगा? नो, साइक्लोफिनॉल नहीं, हेक्सानॉल भी नहीं। चलो जी, इसका नाम होता है हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन। ये इसका नाम है, हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन। के छह कार्बन मौजूद है, सारे के साइक्लिक फॉर्म है, उसके ऊपर हाइड्रोक्साइड ग्रुप लगा हुआ है। अब इसके बाद हमारे पास ये हाइड्रोजिनेशन खत्म है, इसके बाद नेक्स्ट कॉमन नेम नहीं। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो रिएक्शन आ जाता है वो है हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन। अच्छा, हैलोजिनेशन को अगर मैं स्पेसिफिकली कहूँ, यहाँ पर जो चीज़ हमें डिस्कस करनी है वो है ब्रोमिनेशन। कौन सी चीज़ को डिस्कस करना है? ब्रोमिनेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रोमिनेशन का रिएक्शन करवाना है, हमने ब्रोमीन को ऐड करवाना है, सही, इसको हम ब्रोमिनेशन का नाम देते हैं। सही, अगर हम बात करूँ यहाँ पर हैलोजिनेशन की डेफिनेशन इस तरह करेंगे, एडिशन ऑफ हैलोजन इज कॉल्ड हैलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हैलोजन, हैलोजन के दाखले को किस में, फिनॉल में, हैलोजन इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। और याद रखिएगा, हैलोजन में हमारे पास रिप्रेजेंट जो हैलोजन करते हैं वो एक्स कर रहे होते हैं, और एक्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, फ्लोरीन आ सकता है, क्लोरीन आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है और आयोडीन आ सकता है। ये वाली चीज़ें हमारे पास हैलोजन के ज़मरे में आ रही होती हैं, हैलोजन के ज़मरे में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है वो है ब्रोमीन, ब्रोमिनेशन। और याद रखिएगा, जो ब्रोमीन का कलर होता है, अगर ये रिएक्शन करेगा इसका साफ पता चल जाता है,
अगर ये रिएक्शन करता है तो इसका कलर गायब हो जाता है, अगर रिएक्शन नहीं करता तो कलर इसका जो पर्पल रंग होता है वो बिल्कुल वैसा का वैसा रहता है। आप इसके अंदर ब्रोमीन डालें, ब्रोमीन का कौन सा कलर होता है? पर्पल होता है। ब्रोमीन का कलर क्या होता है? पर्पल या जामनी टाइप होता है। अब दो पॉसिबिलिटी है, अगर तो कलर डिस्चार्ज हो जाता है, कलर डिस्चार्ज हो जाए इसका मतलब है कि आपका रिएक्शन हो गया, और अगर कलर डिस्चार्ज नहीं होता, नो कलर डिस्चार्ज, अगर कलर डिस्चार्ज नहीं होता तो फिर क्या होगा, हमारे पास कोई रिएक्शन नहीं होगा। और इस ब्रोमिनेशन को हम इस्तेमाल कर रहे थे आइडेंटिफिकेशन और डबल बॉन्ड, अगर किसी जगह पे कोई डबल बॉन्ड मौजूद है या अनसैचुरेशन मौजूद है वहाँ पे ये रिएक्शन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो एडिशन नहीं होती, याद रखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो जाती है। और ये रिएक्शन हमारे पास कुछ इस तरह का, आपने ब्रोमीन ली है, फिनोल को ब्रोमीन से रिएक्ट करवा देना, ये हमारे पास OH ग्रुप है। अब जैसे मैं इसका रिएक्शन करवाता हूँ किस चीज़ के साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ, Br2 के साथ। और याद रखिएगा ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, इसके बाद ब्रोमीन वाटर भी कह देते हैं इसको। और जैसे आप रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास ये वाली चीज़ बन जाएगी, दो जगह पे ब्रोमीन लगेगी, या तो ऑर्थो पोजीशन में लग सकती है या फिर पैरा पोजीशन पे। मैंने कहा कि यहाँ पे एक ब्रोमीन लगा दिया, एक ब्रोमीन यहाँ पे लगा दिया और एक ब्रोमीन यहाँ पे लगा दिया, और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम बनता है जो वो है 2-4-6 ट्राई ब्रोमो फिनोल, ये इसका नाम है। अब ब्रोमिनेशन के बाद या हैलोजिनेशन के बाद जो लास्ट वाला रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन। लास्ट वाला है हमारे पास रिएक्शन विद एल्डिहाइड। अच्छा, एल्डिहाइड का याद रखिएगा एक चीज एल्डिहाइड के बारे में, और इस रिएक्शन को ये याद रखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट तीन रिएक्शन में से एक है, इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी, और यही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी। और इसको हम बनाने के लिए, या फिर वो इस तरह भी बार बार क्वेश्चन कर देता है, वो कहता है वो राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ बेकलाइट फॉर्मेशन, बेकलाइट बनाने का रिएक्शन लिख दें, इस तरह भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, वो कहता है राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ बेकलाइट फॉर्मेशन का रिएक्शन। अच्छा, बेकलाइट होती क्या है, पहले ये बात आ जाए, बेकलाइट होती है ये जो स्विच वगैरह घरों के अंदर बने होते हैं ना, ये बेकलाइट के बने होते हैं, प्लास्टिक है। अब इस प्लास्टिक को बनाया किस तरह जाता है, इस तरह कुछ रिएक्शन करवा के फिनोल का रिएक्शन करवाते हैं एल्डिहाइड से, और हमारे पास पॉलीमराइजेशन होती है, पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस होता है जिसके नतीजे में बेकलाइट बन जाती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पहले इस रिएक्शन को देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो रिएक्शन करवाना पड़ता है ये अमूमन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, कोई ज़्यादा हम चीज़ें नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट रिएक्शन पे आते हैं। रिएक्शन में आपने क्या करना है, फिनोल लेनी है, एक कि यहाँ पे OH लगा होगा बेंजीन के ऊपर, ये फिनोल है, इसका रिएक्शन करवा देना है फॉर्मेल्डिहाइड से। ये वाली चीज़ हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड होती है, HCHO भी कहते हैं, और ये हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है। जैसे ही आप रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास चीज़ जो बनती है, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे जो चीज़ बनेगी वो कुछ इस तरह की होगी, यहाँ पे जो चीज़ बनती है वो कुछ इस तरह की होगी, एक CH2OH यहाँ पे लग जाए, CH2OH यहाँ पे लग जाएगा, और एक CH2OH, यानी कि हमने कहा था जी OH जो फिनोल ग्रुप है ना, सही है, ये OH जो ऊपर लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और ये हमेशा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, या तो ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा जो आने वाली चीज़ है, या फिर किस पोजीशन पे लगेगी, पैरा पोजीशन पे, या मे भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि दोनों पोजीशन पे ही लग जाए, मे भी ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपका ये ऑर्थो पैरा दोनों ग्रुप पे, दोनों पोजीशन पे ये वाली चीज़ आके जुड़ जाए, CH2OH, सही हो गया, ये वाली चीज़ बन गई है। अब इसके बाद जो मेन रिएक्शन है ये बेकलाइट फॉर्मेशन, ये तो सिंपल सा रिएक्शन है, जब हम एल्डिहाइड और फिनोल का रिएक्शन करवाते हैं तो ऑर्थो पोजीशन पे भी जाके लग जाता है और पैरा पोजीशन पे भी जाके एक ग्रुप लग जाता है, और ये हमारे पास आ जाएगा, अगर इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे ये भी 2 आ जाएगा और ये भी 2 आ जाएगा,
अब हमारे पास जो मेन चीज़ है वो ये है कि बेकलाइड किस तरह बनती है। कहते असल में यहाँ पर जो पॉलीमराइजेशन होती है वो किसके दरमियान में होती है, फिनॉल और एल्डिहाइड के दरमियान में। यही बात लिखूंगा और नीचे रिएक्शन लिख देंगे, बात खत्म कर देंगे। द पॉलीमराइजेशन एक ऐसा तरीका कार है जिसमें छोटे छोटे यूनिट मिलते हैं और बड़ी सारी चीज़ें बना देते हैं। अक्कर किस किस के दरमियान में पॉलीमराइजेशन हो रही होती है, अक्कर बिटवीन द मॉलिक्यूल्स के दरमियान में हो रही होती है। किस किस के मॉलिक्यूल ऑफ फिनॉल एंड एल्डिहाइड और एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के दरमियान में पॉलीमराइजेशन हो रही होती है, पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। अब किस तरह होगा, मैं कहता जी एन नंबर ऑफ मैंने एल्डिहाइड ले लिए, या एन नंबर ऑफ फिनॉल और एन नंबर ऑफ एल्डिहाइड। एन का मतलब क्या है, कोई हज़ारों की तादाद में आप ले लें, लाखों की तादाद में ले लें, ये आपकी मर्ज़ी है। जो एन यहाँ पे होगा वही एन यहाँ पे आपने रखना है। ये मैंने एन नंबर ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप ले, यानी फॉर्म एल्डिहाइड ले लिया। ये मेरे पास क्या है, फिनॉल है, और ये मेरे पास क्या है, फॉर्म एल्डिहाइड है। ये मेरे पास क्या है, फॉर्म एल्डिहाइड है। ये इसका कॉमन नेम है, जो इसका IUPAC नेम है वह है मिथनल। तो इन दोनों का रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्शन करवाने के बाद आप नेक्स्ट चीज़ बनाने किस तरह है, कौन सी चीज़ों को जहन में रखना है, वो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट यही होगी। अब जब रिएक्शन करवाना ना, देखें एक दफ़ा तो आपने फिनॉल चार बेंजीनिंग बना लेनी है पहले नंबर पर, अब बाकी काम हम बाद में करेंगे। चार बेंजीनिंग बना ली, एक यहाँ पे, सेम इसी तरह एक इसी तरह की चार बेंजीनिंग हमने बनानी होती हैं, और ये पता भी लग जाएगा क्या काम हो रहा है। यहाँ पे भी एक बेंजीनिंग बना लें, एक बेंजीनिंग यहाँ पे, ये मैंने चार बेंजीनिंग बना ली है। अब होता यह है कि आपका जो फिनॉल होगा यहाँ पे सीधे बनाने होते हैं फिनॉल OH, और यहाँ पे क्या कर देना, इनको टेढ़ा नीचे OH लगाने, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सही हो गया। अब असल में हमारे पास चीज़ कौन सी है, ये वाली, मैं इसको ना थोड़ा सा यहाँ बना लेता हूँ, इसका सिर्फ बना लगा, ये क्या हमारे पास CH2OH है, यहाँ पे CH2OH। अच्छा क्या यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद है, इस कॉर्नर में बेंजीन के एक हाइड्रोजन मौजूद होता है, ये हाइड्रोजन मिलता है इस OH के साथ और कौन सी चीज़ बना देगा, वाटर। यानी कि यहां से एन नंबर ऑफ H2O भी निकलेंगे, सही, यहां पे क्या बन जाएगा हमारे पास, वाटर, और ये कुछ इस तरह का बॉन्ड बन जाएगा। OH यहां से निकला, H वहां से निकला, और यहां पे कौन सी चीज बन जाएगी, CH2 के थ्रू ये वाली चीज जुड़ जाएगी यहां पे, सही। सेम इसी तरह इस साइड पे भी CH2 के साथ जुड़ी होगी, सही, सेम इसी तरह इस साइड पर भी CH2 के साथ जुड़ी होगी। अब जो मेन चीज़ है ना वो ये है, अब देखें इसके लिहाज से ऑर्थो पोजीशन कौन सी है, इस OH के लिहाज से ऑर्थो पोजीशन ये वाली है। अब बच्चे क्या करते हैं, वो यहाँ पे भी बना देते हैं, ये गलत है। इसके लिहाज से ऑर्थो पोजीशन ये वाली होगी, सेम काम यहाँ पे भी होगा कि आपका OH यहाँ से निकलेगा, निकलने के बाद ये यहाँ पर जुड़ जाएगा, सेम काम CH2 और यहाँ पे भी CH2 इस साइड पे। अब आ जाती है यहाँ पे, अब देखें यहाँ पे भी CH2OH लगे होते हैं, अगर मैं यहाँ पे CH2OH लगता है CH2OH, ये वाला OH और यहाँ से H निकलेगा, और यहाँ पे भी कौन सी चीज़ बन जाएगी, इनके दरमियान में भी बॉन्ड बन जाता है, और सेम काम यहाँ पे भी CH2 ये, और इसी तरह ये रिपीट होता रहता है। ये हमारे पास एक यूनिट है, ये हमारे पास क्या है, एक यूनिट है, और यहाँ एन लिख दें, ये भी पता नहीं कितने इस तरह के, ये मोनोमर है जो सब मेन बन रहा होता है, इसकी पॉलीमराइजेशन होती रहती है, और हमारे पास कौन सी चीज़ बन जाती है, बेक लाइट। ये हमारे पास क्या है, बेक लाइट का मोनोमर है, ये है जी बेक लाइट फॉर्मेशन। जो यहाँ पे चीज़ याद रखने वाली है, बच्चे क्या करते हैं, ये मैक्सिमम गलतियाँ होती हैं, वो क्या करते हैं, बॉन्ड यहाँ पर लगा दें, यहाँ पर दरमियान में, ऐसा हरगिज़ नहीं करना। यहाँ पे देखें हमेशा कार्बन एटम का बॉन्ड बनाना है, यहाँ पे देखो कार्बन एटम ही नहीं है जिसका आप बॉन्ड बनवा रहे हैं, यहाँ पे तो कार्बन एटम ही नहीं है, इसलिए ये वाली चीज़ गलत होगी, सर ये वाली चीज़ गलत होगी। और ये भी नहीं करना कि एक बॉन्ड इसके कॉर्नर पे टॉप बना दे, एक बॉन्ड इसके टॉप बना दे, ये भी गलत है,
सही है, आपने सिर्फ कोशिश ये करनी है कि OH पहले चार बेंजीन रिंग ड्रा कर लें, ड्रा करने के बाद इसके OH ऊपर लिखें, इसके OH नीचे लिखें, फिर इसके OH के साथ CH2 लगाएं, सेम इसी तरह इसके OH के साथ भी CH2 इसको आपस में कनेक्ट कर देना, और ये हमारे पास कौन सी चीज़ बन जाएगी, बेकलाइट। ये थे जी हमारे पास रिएक्शन, कोई रिएक्शन रहा तो नहीं गया, नहीं। ये रिएक्शन ऑफ फिनॉल सारे के सारे कम्प्लीट हो चुके हैं, इसके बाद हमारे पास ईथर है। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।